पांच साल की जो सरकार अभी चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत बाबू के उनके मुखिया है, और हेमंत बाबू खुद ही बालू गिट्टी और पत्थर बेच बेच कर करके वो पूरे राज्य में पूरे विश्व में फेमस हो गए कि झारखंड के सीएम खुद ही वो एक लुटेरे हैं, चोर हैं। तो ये सब चीजें हम लोग को शर्मसार, पंडित जी को वो हमारे झारखंड के लिए वो मोदी जी हैं। अगर आप झारखंड की जगह पे खड़ा होकर देखेंगे आप, तो वो हमारे लिए मोदी जी। अभी संकल्प यात्रा चला आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का, झारखंड की जनता ने दिल खोल कर करके और जनसैलाब की तरह उन्हें स्वागत किया। झारखंड की हर एक जनता को मालूम है कि ये माटी का बेटा है। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं कही जाती, उसके पीछे उसके भारी भरकम तैयार कार्यकर्ताओं की अपनी पौध है। हर एक कार्यकर्ता अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में उसकी वैचारिकता और उसके नैतिक मूल्यों को धारण करता है। देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ कार्यकर्ता अपने आप को लोकसभा 2024 के चुनाव की पूरी तैयारी के साथ देख रहा है और राज्यों में आने वाले चुनाव की तैयारी के साथ। इन सबसे अलग हटकर कार्यकर्ता हमेशा सोचता है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री की बातचीत चौखट तक अपनी तरीके से पहुंचाई जाए, वैसी जैसे पीएम मोदी का अपना सपना है। तो ऐसे ही एक शख्सियत जिनकी कर्म भूमि गोवा है, लेकिन इनकी राजनीतिक कर्म भूमि झारखंड के मधुपुर में है, और ऐसा एरिया जहां पर माना जाता है कि ऐसे राजनीतिक व्यक्ति की जरूरत है जिसके अंदर चेतना हो, जो अपने लोगों को आगे बढ़ाने की बात करता हो, और वहां मोदी जी का सबका साथ सबका विश्वास अपने आप में बिल्कुल खरा उतरता है। साथी हैं गंगा नारायण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, और अब जिस तरीके से हर चौखट जाकर माटी की अपनी गूंज दिल्ली तक पहुंचाने की ये कोशिश कर रहे हैं, उसका एक अपना अलग मजा है। तो सबसे पहले तो स्वागत है गंगा जी आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो भारतीय जनता पार्टी कैसा लग रहा है, कितना बदला हुआ माहौल है आज देश में और खासकर झारखंड में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज एक ऐसी पार्टी का नाम पूरे विश्व में सामने आ रहा है। बदलाव की अगर आप काम बात कहें तो इन 8-9 साल की जो कार्यकाल रहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, पूरे भारत को एक नई पहचान दी, और पूरे भारतवासी को भी गर्व हो रहा है, कहीं विश्व में कहीं भी जा करके वो भारत का पहला नाम आता है। पहले कुछ लोगों को संकोच होता था कि उन्हें अपनी कंट्री का नाम बताने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा वहाँ अलग अलग कंट्री की प्रॉब्लम होती थी। आज गर्व से वो कंट्री वाला उन्हें स्वागत करते हैं, रेड कारपेट बिछा करके अपने इंडियन लोगों को स्वागत करते हैं। तो भारत इतना बदल गया है, आप देखिएगा आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गांव के अंतिम व्यक्ति तक उनको पहुंचाने का काम कर रहा है। उनकी जो सेवाएं हैं, उनकी जो कार्य है, वो गांव गांव तक पहुंच रहा है, और आज हम कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि हमें भी इस तरह का भारत देखने के लिए मिलेगा। पिछले 70 साल की भारत को आप देखिए, और ये 7-8 साल की जो कार्यकाल रहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, इसमें इतनी बदलाव हुई, रोड से लेकर करके, रोड कनेक्टिविटी से लेकर के, एयर कनेक्टिविटी से लेकर करके, अनेकों ऐसे कनेक्टिविटी को उसने साबित करके दिखाया कि भारत में कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। अब जब बात कर रहे हैं इस तरीके की कनेक्टिविटी की, तो झारखंड के गांव कितने कनेक्ट हुए हैं मोदी जी की योजनाओं से आज? देखिए, मैं अभी इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मैं अभी गोवा में हूं, परसों मैं झारखंड में था। तो हमें झारखंड जाने के लिए हमें 3 दिन लगता था, या गोवा से जाने के लिए या झारखंड से आने के लिए। अब मैं 4 घंटे में झारखंड से आ जा रहा हूं। सुबह का नाश्ता माँ के हाथ से खा जाता हूँ, दोपहर का खाना यहाँ बीबी के हाथ से खाता हूँ। तो मोदी जी ने हमें यहाँ एयरपोर्ट की इतनी सुविधाएं दी, ताकि वो एक हवाई चप्पल, उनका सपना था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला
एक खास से लेकर के एक आम आदमी तक हवाई सफर करे, तो आज वो चीज साबित हो गया। रेलवे की आप देखेंगे तो वंदे भारत, 75 साल बाद वंदे भारत एक ऐसी ट्रेन आई जो लोग देखने के लिए जा रहे हैं, उमड़ रहे हैं। अब वंदे भारत ट्रेन चली है, अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो अभी आएंगे। आपको मैं बताऊं कि हमारे झारखंड में जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो जहां लोग नहीं समझ पा रहे थे वहां रोड बने, पुल बने, पुलिया बने। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जब हमारे प्रथम मुख्यमंत्री बने थे झारखंड के, उस समय हमारे झारखंड, पूरे झारखंड में इतनी विकास हुई थी जो हम लोग नदी में कभी अगर कोई इस तरह का दिक्कत आता था तो लोग माथा में हाथ देकर कर सर पकड़ते थे, जाएंगे कैसे उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए शहर के लिए। आज बाबूलाल मरांडी जी का देन है कि हर जगह पुल और पुलिया बना हुआ है, तो झारखंड तो विकास कर रही है। अब ये 5 साल की जो सरकार अभी चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत बाबू के उनके मुखिया हैं, और हेमंत बाबू खुद ही बालू, गिट्टी और पत्थर बेच बेच कर करके वो पूरे राज्य में, पूरे विश्व में फेमस हो गए कि झारखंड के सीएम खुद ही वो एक लुटेरे हैं, चोर हैं। तो ये सब चीजें हम लोग को शर्मसार करती है। आप देखिएगा कि झारखंड की जो विकास की गति जो बढ़ी थी उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें झारखंड में एम्स दिया, हमारे यहाँ एम्स दिए हैं, एयरपोर्ट दिए हैं, प्लास्टिक पार्क आए हैं, आईटी आ रहे हैं, अभी अनेकों ऐसे यूनिवर्सिटी हैं वो भी आ रहे हैं। तो अनेकों ऐसे कार्य जो है जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे झारखंड को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। डबल इंजन की सरकार रहती है तो जबरदस्त विकास होती है, फिर भी जहां तक हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की काम वहां हो रहा है, और कुछ ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट की काम होती है जो स्टेट गवर्नमेंट को लेकर चलना पड़ता है, और स्टेट गवर्नमेंट वहां उनको ऑब्जेक्ट कर करके वो अपना श्रेय लेने का कहने का मतलब कि पैसा आता है लेकिन स्टेट आते आते वो रांची में रुक जाता है, रांची में रुक जाता है, बिल्कुल रांची से आगे नहीं जा पा रहा, बिल्कुल नहीं आगे जाता। दूसरा जो आपने बोला कि जब भाजपा की सरकार थी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी तब विकास अलग स्पीड से हो रहा था, तो आज क्या विकास वनवास में है? बिल्कुल वनवास में है, और ये झारखंड की जनता, झारखंड की युवा, झारखंड की बुजुर्ग, झारखंड की माता बहन, हर एक जनता, झारखंड के पूरी समुदाय, हर एक वर्ग के लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं विकास रुक गई है। और अब भारतीय जनता पार्टी की इंतजार कर रही है, 2024 में भारतीय जनता पार्टी की भारी भरकम से सरकार बनेगी और झारखंड की जनता का जो अरमान है उनको जरूर पूरा करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हर समय यही सोच रहा है कि सबका साथ सबका विकास, और सबके साथ और सबके विकास का वो काम करते हैं, ना कोई भेद है ना कोई भाव है। अभी अभी मैं देख रहा था गोवा में नेशनल गेम्स चल रहे हैं, झारखंड की बच्चियां बड़े दमखम के साथ खेल रही थी, और उन्होंने बोला कि जो ये खेल का माहौल है पूरा इंटरनेशनल तरीके से दिया गया है। तो कैसा लगता है कि खेलने के मामले में इस सरकार ने सड़क तो दिया, खेल के मामले भी जैसे खेलो इंडिया जैसे अलग अलग कार्यक्रम चलाए, तो झारखंड के लोग कितना फायदा उठा पा रहे हैं? ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि खेलो इंडिया के माध्यम से बच्चे लोग स्वतंत्र होकर खेल रहे हैं, उनकी सुविधाएं, उनकी जो फैसिलिटी मिलना चाहिए, उनको जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो बखूबी मिल रहा है इस गवर्नमेंट में। और आप देखेंगे तो हर स्टेट में इस तरह की हर सोल और उल्लास है, जहां से गांव से ज्यादा करके गांव से जो बच्चे लोग कुछ उनके अंदर खूबियां हैं, जो उनके अंदर टैलेंट है वो दिखा नहीं पाते थे, ये खेलो इंडिया के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस तरह की सोच से आज बच्चे लोग जा करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी स्टेट का, अपना देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो जो विपक्ष है हमेशा मजाक उड़ाता है कि डिजिटल इंडिया है कहां, लेकिन जब आप लोग बोलते हैं कि खिलाड़ी गांव से निकलकर इस तरीके के प्रतिभा में जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी ने वो तंत्र तोड़ दिया जहां पर अपने पराये भाई भतीजावाद का खेल होता था, और अब जो जिसके अंदर प्रतिभा है वो आएगा, खेलेगा, जीतेगा? ये आज के समय में इतनी बड़ी संदेश जो महागठबंधन के इंडिया ने जो दिया है, ये सबको पता चल गया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी परिवारवाद, कभी अपने परिवार को भी नजर उठा के नहीं देखा। उनका परिवार का एक ही मंत्र है, पूरा भारत मेरा परिवार है, पूरा भारत के एक एक सदस्य मेरे परिवार है। और इस गठबंधन में आप देख लीजिएगा, इंडिया गठबंधन की ये तो
लांछन लगाते ही रहेंगे, क्योंकि इनका काम है वही, क्योंकि इसने काम किया नहीं। अब जो काम कर रहे हैं उनके बारे में ये बोलेंगे नहीं, तो करेंगे क्या? आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन जो बनाई, इस इंडिया गठबंधन में किस इंडिया वाले के, किस भारत का इसमें फायदा है? इसमें फायदा सिर्फ उन्हीं परिवार का, सबका बेटा है, सब अपने बेटे का चिंता कर रहा है, सब अपनी बेटी का चिंता कर रहा है, सब अपने दामाद का चिंता कर रहा है, कोई भारत का चिंता नहीं कर रहा है। एक ही मात्र है भारतीय जनता पार्टी का, एक ही शिक्षा है कि पूरे भारत के लोगों का कल्याण करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि पूरे भारत के परिवार मेरा परिवार। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया था 2014 में, तो उसने आज तक लोग जब सुनते हैं उस चीज को तो उनके पूरे शरीर का जो रोमे हैं वो खड़ा हो जाते हैं। उसने कहा था कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, देश का प्रधान सेवक हूं। क्या कोई प्रधानमंत्री ऐसे बात की आज तक? आज भारत की देखिए सबसे बड़ी खूबी है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बच्चा बच्चा, बूढ़े बूढ़े सब पहचानते हैं। आप जाएंगेगा किसका मुंह का नाम, उनका मुंह पूछेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। तो आज ये बहुत बड़ी खूबसूरती है कि एक देश का प्रधानमंत्री हर एक उम्र के लोगों के साथ वो उनका आइडल बना हुआ है। जब हम झारखंड की बात करते हैं, देश में तो एक अकेला सब प्रभारी मोदी जी हैं। जब झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड में जैसे आपने जिक्र किया कि बाबूलाल मरांडी जी का पहला मुख्यमंत्री काल, जो सपना उन्होंने देखा था वो सपना कहीं ना कहीं एक रंग लेता नजर आया, जो 5 साल में वनवास में चला गया। और अभी बाबूलाल मरांडी जी पूरे राज्य में घूम रहे थे, तो अब क्या लगता है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी हर चौखट हर बूथ पे नई तैयारी के साथ, सोच के साथ आ रही नया झारखंड बनाने के लिए? बिल्कुल, जो भी संकल्प यात्रा चला आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का, झारखंड की जनता ने दिल खोल कर करके और जनसैलाब की तरह उन्हें स्वागत किया। झारखंड की हर एक जनता को मालूम है कि ये माटी का बेटा है, और बाबूलाल मरांडी जी को वो हमारे झारखंड के लिए वो मोदी जी है। अगर आप झारखंड की जगह पे खड़ा होकर देखेंगे आप, तो वो हमारे लिए मोदी जी हैं, क्योंकि वो झारखंड के हर कोने को, मिट्टी को जानते हैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी। किस जगह विकास करना है, किस जगह विकास में तेजी लानी है, उनको सब मालूम है, क्योंकि आज के वो नेता नहीं है। वो अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ वो मंत्री रहे, वो MLA MP सब कुछ रह करके उनके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री, पहला झारखंड हमारा अलग होने के 2000 नवंबर में, इसी महीने में 2000 में ही अलग हुए, 15 नवंबर को, कल ही परसों था स्थापना दिवस, स्थापना दिवस था जी जी। तो आप उस व्यक्ति के बारे में हर एक वर्ग के लोग जानते हैं, हर एक उम्र के लोग जानते हैं कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी आएंगे तो झारखंड की रफ्तार और झारखंड की कायाकल्प बदलेंगे। वहां बहुत सारे ऐसे कामें होंगे जो बाबूलाल मरांडी जी का इंतजार कर रहा है। तो अब जब हम बात करें, जैसे अब मरांडी जी तो झारखंड की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए तो मधुपुरा ही झारखंड है, क्योंकि आपकी कर्म भूमि और राजनीतिक कर्म भूमि वो है, जन्म भूमि भी वही रही है। तो मधुपुरा को क्या लगता है, जरूरत किस चीज की है आज की तारीख में? देखिए, मधुपुर की सबसे बड़ी खूबसूरती है वहां का कि वहां जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है या दूसरे पार्टी की भी सरकार बनती है झारखंड में, तो मधुपुर की सबसे बड़ी खूबसूरती रहा कि उसको MLA नहीं मिलता है, MLA के साथ उनको मंत्रालय भी दिया जाता है। और आज मधुपुर की जनता बड़े ही दुख के साथ कहता है कि सब लोगों ने उन्हें ठगने का काम किया है। मधुपुर में कोई भी ऐसे विकास का काम नहीं हुआ है। मधुपुर को कभी भी झारखंड की जिस तरह विकास होनी चाहिए उस तरह मधुपुर की गिनती नहीं होती है, क्योंकि वहाँ JMM की सरकार रही है और वहाँ MLA रहे, मंत्री रहे स्वर्ग हाजी हुसैन अंसारी साहब, और उनके बेटे अभी वो चीटिंग करके जो जीते हुए हैं हफीजुल अंसारी, एक्चुअली जो हमारे मधुपुर के बाय इलेक्शन हुए उनमें से मुख्यमंत्री जी चीटिंग कर करके इनको जिताए हैं। तो उसके बावजूद भी ये मधुपुर के बारे में कभी नहीं सोचते, मधुपुर के लोगों के बारे में नहीं सोचते। मेरे ख्याल से ये लोग सिर्फ ठीका ठेकेदारी का काम करते हैं। मधुपुर की बहुत बड़ी आस है। आप मधुपुर की बात अगर करें तो मधुपुर में हमारे बहुत सारी ऐसी योजनाएं ला सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको हम डेवलप कर सकते हैं। देखिए, आज हम जिस स्टेट में खड़ा है, यहाँ का इकोनॉमिक सबसे बड़ा जो है वो टूरिज्म है। टूरिज्म यहाँ सबसे बड़ा आयात देता है गोवा में,
या आप आज के समय में किसी भी प्रदेश को अगर कंपेयर करेंगे तो उनका सबसे बड़ा जो आयात का जो कारण होता है वो होता है टूरिज्म। हमारा नेचुरल जो चीजें हैं झारखंड का, हमारे झरने हो गए, हमारे नदियां हो गई, हमारे तालाब हो गए, हमारे ऐसे ऐतिहासिक जो धरोहर हैं, हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे पुराने मंदिर हैं, उन चीजों को हम लोग कभी टूरिज्म के तौर पे नहीं डेवलप कर पाए। हमने कभी अप्रोच नहीं कर पाया कि टूरिस्ट वहां आए हमारे पास। यहाँ आप यहाँ गोवा में आ गए आप समुन्द्र देखने के लिए, हमारे यहाँ इतनी अच्छी अच्छी नदियां हैं, उनको भी आप डेवलप कर करके लोग आज देखिए, लोग ना शांति से कहीं बैठना चाहता है, लोगों के जीवन में तनाव दुनिया भर का है तो लोग एक अच्छे जगह पे आना चाहता है। गोवा एक शांति और क्या कहते हैं कि ऐसे जगह गोवा का दर्जा दिया गया है कि लोग पूरे एकदम मस्त सारे कुछ छोड़ करके गोवा में आत करके कर आराम से जाते हैं। तो वैसे हम लोग का नेचुरल चीजें हैं जो नदियां हैं हम उसको डेवलप कर सकते हैं, हमारे तालाबें हैं उनको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। बड़ी बात है, चूंकि आप गोवा में हो तो आपको टूरिज्म का फायदा समझ में आता है, आपको ये पता है कि रोजगार के कौन कौन से साधन पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल, मान लीजिए कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो निर्णय पार्टी का होता है और जनता आपके साथ दमखम के साथ खड़ी होती है, तो ऐसी चार चीजें क्या करना चाहेंगे कि मधुपुर को दिल्ली में बैठा हुआ हर आदमी दिन में एक बार जरूर याद करे, जैसे पहले पिक्चरों में झुमरी तलैया का नाम आता था, तो क्या ऐसा कुछ मधुपुर में आप कर पाएंगे, क्या सोचते हैं आप, क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए क्या आज सबसे बड़ी दुख की बात होती है, जब हम गांव में रहते हैं, हम गांव के लोग हैं और हमने गरीबी देखा है, हमारे शरीर में पूरा गरीबी भिजा हुआ है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो होता है हॉस्पिटल, लोगों की सबसे बड़ा रिकॉर्ड, खाना नहीं है चलेगा पर हॉस्पिटल चाहिए लोगों को, दवा चाहिए लोगों को। पहला दुरुस्त काम करना, मेरा तो सबसे प्राथमिकता में है कि मैं पहले हॉस्पिटल को दुरुस्त करूंगा, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि बड़े लोग कहीं भी जाके ट्रीटमेंट कर लेते हैं पर गांव के लोग जो हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर हाथ टूट गए तो उनको तुरंत डॉक्टर रेफर कर देता है, तो उन चीज पे सबसे पहले मेरा मुझे फोकस करना है। दूसरा मेरा जो है, दूसरा है आप एम्प्लॉयमेंट को ये करना है, रोजगार को लाना है, तो स्मॉल स्किल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ी बातें और बहुत बड़ी चीजें नहीं चाहिए। स्मॉल स्किल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आपको जैसे साउथ के जितने स्टेट हैं, स्टेट में क्या होते हैं स्मॉल स्किल इंडस्ट्री को लोगों ने किया है, हर एक चीज को लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग उद्योग अलग अलग खोल रखे हैं। हमारे यहाँ क्या है ना कि ये चीज को बढ़ावा नहीं दिया गया, जबकि केंद्र की कई योजनाएं, कई योजनाएं हैं, और अगर इस तरह की योजनाएं वहां पे अगर लागू हो जाएंगी तो मेरे ख्याल से घर की जो महिलाएं हैं वो भी किसी पे, हाँ, क्योंकि माना जाता है कि अगर किसी घर की महिला आर्थिक आजाद है, मतलब उसकी इकोनॉमिक कमाई कहीं साधन है उसका, तो घर खुशहाल होता है। तो अब जब आप रोजगार की बात कर रहे हैं, अस्पताल की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा प्रणाली कितनी मजबूत है आपके मधुपुर की अगर बात करें? शिक्षा भी उसमें आएंगे, मैंने तो पहला कहा कि मुझे हॉस्पिटल को दुरुस्त करना है, स्वास्थ्य को, दूसरे में हमारा जो आपको बताया मैंने कि रोजगार को सृजन करना है, तीसरा है एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है ना कि अभी जैसे टेंथ का जो स्कूल है उनको अपग्रेड करके ट्वेल्थ कर देता है, तो अपग्रेड करके खाली ग्रेड बढ़ाने से नहीं होगी, उनकी फैसिलिटी देनी पड़ेगी, उनकी वहां टीचर की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो खाली आप ऐसे बात नहीं कर सकते, आपने खाली पेपर में कल ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन में आ गया कि नहीं ये टेंथ का स्कूल था, हाई स्कूल था, अब ये ट्वेल्थ का हो गया, अब उसको ट्वेल्थ बनने से वहां लोगों को फायदा होने वाला नहीं है, उनकी फैसिलिटी, उनकी टीचर्स भी वहां अवेलेबल होने हो तभी उनकी फायदा होगा। चौथा में आ गया टूरिज्म को, हमारे पास अनेकों ऐसे चीजें हैं मधुपुर में, अनेकों ऐसे धरोहर हैं जिनको मैं काफी कम समय में उनको डेवलप कर करके और मैं टूरिज्म को ला सकता हूँ। बाबा धाम देवघर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंग है हमारे, वहां पे लोग वहां आते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, पर वही लाखों की संख्या में हम हजार की संख्या में अगर वो टूरिज्म को अगर हम अपने इधर डाइवर्ट कर पाए, उनको हम अगर लेके आ पाए, तो वो हजार आने वाले दिनों में कम से कम वो अनेकों हजार और लेके आ जाएंगे टूरिस्ट को। तो कहने का मतलब कि आपके पास में लोग हैं, लोगों को बुलाने वाला सिस्टम आपको बनाना है। बिल्कुल, तो इससे तो कई चीजें बदल जाएंगी, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, नाम और कमाई तो होगी। तो ये आज की तारीख में आप केंद्र सरकार से क्या गुजारिश करेंगे
कि राज्य सरकार जिन चीजों को अनदेखी कर रही है उसको जनता तक पहुंचाने के लिए, उसकी जांच करने के लिए कोई ऐसी कार्रवाई या काम करे, क्योंकि अब तो मेरा माटी मेरा देश चल रहा है, इतना बड़ा आयोजन और ये हर गांव की माटी, और हमें लगता है कि अभी आप भी झारखंड में शामिल हुए हैं। जी, मैं शामिल हुआ था और हमने जो ट्रेन हमारे झारखंड से गए माटी लेकर करके, ये बहुत बड़ी अनुभूति प्रदान करते हैं कि आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश से, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, पूरे देश से अगर माटी मंगवाया और माटी मंगवा कर करके उसने उस मिट्टी को अपने तिलक लगाए। हमारे प्रथा है, जो हमारे किसान जब खेत को जुताई करने जाते थे या जब भी अपने जवान अभी बॉर्डर पे जाते थे तो वो अपने देश का मिट्टी को तिलक लगा करके ही जाते हैं। तो ये अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े संदेश दिए कि पूरे भारत का मिट्टी मंगा करके दिल्ली में उन्हें इस तरह का दर्जा दिया गया और इस तरह का उन्हें सम्मान दिया गया, आज तक कभी हम सभी सोच नहीं सकते थे। ये कर सकता है तो सिर्फ एक देश के यशस्वी प्रधान नरेंद्र मोदी, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो लगता क्या है कि जो माटी आई पूरे देश से, ऐसा लगा नहीं आपको कि दिल्ली में अब पूरे देश के हर गांव की भागीदारी तय हो गई? बिल्कुल हो गई, वो तो परसों दिन ही तय हो गया कि पूरे देश की मिट्टी दिल्ली पहुंच गई। देखिए, ये तो बहुत पहले से था कि दिल्ली चलता है पूरे गांव से, गांव से ही दिल्ली चलता है, पर ये आज तक किसी ने बताया नहीं था। ये पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री ने बताया कि गांव की मिट्टी दिल्ली आए, इससे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये एक बड़ी बात है जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ी जाता है मैदान में उतरता है वो भी तिलक लगाता है, किसान जाता है वो भी पूजा करता है तिलक लगाता है, जवान जाता है वो भी तिलक लगाता है, पहली बार राजनेता माटी को तिलक लगाते हुए दिखे हैं, एक नई प्रथा है। और जब आप बात करते हैं गांव, गरीब और गुंजाइश की, मैं तीसरा शब्द जोड़ रहा हूं कि गांव में अभी भी गुंजाइश है विकास की, लोगों की जरूरतों की, तो आप कैसा देखते हैं कि मधुपुर में आपके गांव गरीबी के बीच में कितनी गुंजाइशें बची हैं? अभी बहुत सारी गुंजाइशें हैं। देखिए, वहां गुंजाइश का किसी ने कोई फायदा ही नहीं उठाने का काम किया है। आने वाले दिन में देखिएगा देश फिर जो जिस तरह से आगे चल रहा है उस तरह से पीछे आएगा। लोग जो शहर जा रहे हैं, अब शहर से लोग गांव आना चाहता है क्योंकि वहां पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया, वहां की जो पॉपुलेशन इतना बहुत ज्यादा हो गया, अब सभी लोग जो रहना चाहते हैं वो एकदम थोड़ा शांति जगह में, गांव में। कोरोना के बाद तो सब गांव की तरफ आ गया, और आने वाले दिनों में वही होगा। आज देखिए, कार वाले के घर में जब तक साइकिल नहीं है तब तक उस कार का शोभा नहीं है, क्योंकि उसको सुबह साइकिल चलाना है। हमारे बाप दादा ने पहले बताया था, पैदल चलना है साइकिल चलना। आज के लोग जो इतनी बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं तो इनका कारण यही है, क्योंकि वो जो मेहनत था, किलोमीटर चल के चलते थे, एक दूसरे के घर में जाना है तो किलोमीटर चलना है, अब तो वो सब खत्म हो गई, सबके घर में गाड़ियां हैं। तो कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है कि सुबह एक घंटा कोई साइकिल चला रहा है, वॉकिंग कर रहा है। तो देखिए कि समय हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने जो कहा था और जो बड़े बुजुर्गों का काम था वो वापस पीछे आ रहे हैं, और गांव ही सबसे प्रथम रहेगा और गांव ही सबसे परिचय का जो क्या कहते हैं, भारत का जो सबसे बड़ा सुंदर परिचय है वो गांव ही है। क्योंकि पहले से ही है कि भारत तो गांव वाला देश है, जहां गांव की इकोनॉमी पूरे भारत को संभालती है, खेती किसानी का देश है, और कहीं ना कहीं खेती किसानी का अपना एक इकोनॉमी में रोल रहा है। अब दीपावली आ रही है, आप गोवा में हैं, आप अपनों के बीच में भी होंगे, मधुपुर में भी होंगे, तो वहां की जनता से, वहां के लोगों को दीपावली की बधाई, और दीपावली पे ऐसा कौन सा प्रण लें जिससे कि मधुपुर के जो तंगहाली है या जो नाउम्मीदी है उन सबको तोड़कर उम्मीद वाला मधुपुर बनाया जा सके, विकास का खुशहाल का मधुपुर बनाया जा सके। मैं मधुपुर के सभी जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, और ऐसे भी मधुपुर के जनता जनार्दन जानते हैं कि ये व्यक्ति निस्वार्थ व्यक्ति है, इनको कोई चीज का लोभ नहीं है, मोह नहीं है, ये सिर्फ सेवा के भाव से आया है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि दीपावली के शुभ अवसर पर मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ दिवाली का। मैं तो दिवाली में रहूंगा वहीं पे, दिवाली छठ पूजा में मेरा वहीं पे रहना रहता है, मजबूरी होता है कि दो चार दिन के लिए जहां आपकी जरूरत है वहां आना पड़ता है, नहीं तो कंटिन्यू हम हैं ही वहां पे। मधुपुर के लोगों को मैं एक संदेश के रूप में यही कहना चाहूंगा
कि दिवाली के जो खुशियां हम लोगों के जीवन में आनी चाहिए थी, जिस तरह हमें दिवाली मनाना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो झारखंड में वो दिवाली देखने के लिए नहीं मिलेगा, और वो मन से वो दिवाली हमें मनाने के लिए भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा आने वाले समय में, अभी लोकसभा का भी इलेक्शन है और विधानसभा का भी इलेक्शन होगा 2024 में, तो ऐसे करें कि हम दिवाली, आने वाले जो दिवाली होंगे 24 का, ऐतिहासिक दिवाली मनाएं। और एक मधुपुर का जो परिचय है वो पूरे झारखंड में हम अलग देना चाहेंगे, इस तरह का दिवाली मने। बाकी मधुपुर की जनता बड़े सजग और बड़े समझदार हैं, वो अब जानते हैं कि उसने जो ठगा है जिन लोगों ने, अब उसकी ठगी में नहीं चलेगी, इस बार वो जरूर भारतीय जनता पार्टी गंगा भैया के साथ चलेंगे। तब जैसे दीपावली है, फिर आपने बोला कि भाई आप बिना किसी लालच मोह के आए हैं, अगला विधानसभा लोकसभा चुनाव होगा, जनता अपने हिसाब से फैसला करेगी किसने ठगा किसने नहीं ठगा, तो कैसे करेंगे दूर आप इसको? मैं चाहूंगा कि मधुपुर की जनता गांव में, जो गांव है वहां पे जाकर करके वो इस दिवाली के शुभ अवसर पर और एक शुरुआत करें वहां से, कि वो गांव की 5 समस्या लेके आए, और 5 समस्या लेकर आए और उस समस्या में मैं 3 महीने के अंदर 90% काम करने की, जो उनकी समस्या रहेगा वो 90% काम करने का काम करूंगा, पूरी प्रयास करूंगा कि उनकी 100% काम हो जाए, पर समस्या जिस तरह की रहेगी वो पता चलेगा, क्योंकि आप पावर पे हैं नहीं, तो हम समस्या के साथ जरूर उन पे निदान करने का काम करेंगे, और 5 दीप जला कर करके गांव वाले एक संदेश देने का काम करें कि गांव की जो 5 समस्या है ये 5 दीपों के साथ अब जल गई, और आगे भी समस्या जो आएगी उसको इसी दीपक की तरह जला करके खत्म कर दिया जाएगा। ये बड़ी बात है, जैसे हम बोलते हैं कि सरपंच होते हैं, पंचायत प्रधान होते हैं, और गांव की अगर 5 समस्याएं जो गांव के लोगों का दर्द है निकल करके पूरे विधानसभा से आएंगी, तो उम्मीद है कि जो अगली दीपावली होगी उस दीपावली में हर जगह सिर्फ और सिर्फ खुशियों का दीपक जलेगा। ऐसा हुआ तो मधुपुर की मिठास पूरा भारत महसूस करेगा, झारखंड की यह मिठास निकलकर दिल्ली की गूंज बनेगी, और ऐसे चेहरे जिन्होंने अपनी कमाई की पूरी व्यवस्था को मधुपुर की सेवा के लिए न्यौछावर करने का अपना एक तरीका बनाया है, मेहनत करते हैं, मेहनत की कमाई करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं और उसको ले जाकर वापस मधुपुर में मिठास बढ़ाने का काम करते हैं, इनको भी पार्टी जनता अपने अपने हिसाब से मौका देगी खुशियों की दीपावली को और ज्यादा खुशहाल बनाने के लिए। लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया से जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका।